कैसे लोग हैं दादी ये लोग, इन्हें कोई दुख ही नहीं है। तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। बाहर नहीं जाती तो इन लोगों की बेइज्जती कैसे देखती। अगर दुल्हन बेगम के अलावा कोई देख लेता और पहचान लेता तो। कौन पहचानता, कोई नहीं पहचानता। अगर दुल्हन बेगम ने मैडम को कुछ बता दिया, अब तो उनकी रिश्तेदारी हो गई है। अगर उन्हें रिश्तों का इतना ही एहसास होता ना तो अब तक शर्म से मर जाती। गैरत और शर्म के नाम के जनाजे सिर्फ गरीबों के घर से निकलते, चाहे वो बाप का हो या बेटी का। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। तबीयत सही हो गई तुम्हारी अब? आजरा तुम जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ कितने शॉर्ट नोटिस पर उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था? तो आप लोग रुक जाते ना वहां? अच्छा, ताकि लोगों को लगता है कि हम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखते। हम लोग ऐसा क्यों समझेंगे, मैं हूं ना अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए। सुहेल तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ रायत की खुशी बर्बाद करने के लिए। देखिए मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो रायत के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। पता है मुझे कौन सी बीमारी है। मेरा मतलब है कि वीकनेस है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप भी जाके रेस्ट करें, काफी रात हो गई है। आप किसी और लड़की से बात करेंगे तो हक तो मेरा ही मारा गया ना। वो कैसे? क्योंकि आप पर, आपकी बातों पर, आपके वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा वो क्यों यार? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने, मैंने, आपकी आंखों ने, आपकी बातों में, आपके हर एक एक अंदाज में। यहाँ क्यों बैठे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं सोहेल भाई, मैं किसी से नाराज नहीं। खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया, रस्में हो जाएं बस, फिर चलें थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप सुहेल, तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ रायद की खुशी बर्बाद करने के लिए। देखिए मोहम्मद, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो रायद के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। अब कब तक उन लोगों के लिए आंसू बहाओगी? यकीन नहीं आ रहा दादी, अम्मी जी इतनी खुश। तो तुम क्या सोच रही थी? मैं तो समझती थी कि भाभी ने अम्मी जी से कह दिया होगा, उनकी गलतफहमी अपनी जगह है, लेकिन मेरी याद तो आती होगी ना। याद क्यों आएगी? क्योंकि वो मुझे बेटी कहती थी। क्या माँ का रिश्ता इतना कमजोर होता है? बेटी, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो। ये क्या है दादी? तुम खुद को जिनकी बेटी समझती थी ना, ये जहर उन्होंने तुम्हारे बाप के हाथ में दिया था। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी मेरे नाम की। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खत दिया है, लेकिन ये तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब महापारा कमजोर होने लगे तो उसको ये दे दीजिएगा, वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन दादी मेरी नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि ये आंसू पोंछ लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए खुद को तकलीफ दो। वो कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो तो मर गई है। अगर वो जिंदा होती तो दुनिया में इतनी खामोशी नहीं रहने देती। आप सोए क्यों नहीं अब तक? ताकि तुम सुकून से सो सको। तो सुबह हो गई है। मैंने तुम्हें मना किया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, फिर भी तुम तैयार क्यों हुई? आपकी इज्जत रखने के लिए। अच्छा, अगर मेरी इज्जत रखने गई थी तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा तमाशा? क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं आजा, तुम्हें वाकई नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुमने हमारे खानदान की कितनी इंसल्ट करवाई है। प्लीज सोहेल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके खानदान में सारे पारसाई पड़े हैं। बकवास बंद करो अपनी। सोहेल, मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं इस टाइम कोई बहस नहीं चाहती। देखो, हम रायद के ससुराल से वापस आ चुके हैं। तो अपनी ये बीमारी और बेहोशी का ड्रामा बंद करो। आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है? हाँ तो और क्या है? आपसे तो मैं बात करूंगी। हम आपसे कह रहे हैं फोन में लाएं और आप हमें देखी जा रही हैं। आपने शैला का चेहरा देखा था जब हाजरा ने उनके बेटों में कमी वाली बात कही थी? ये वक्त इन बातों का नहीं है, फोन में लाएं, हाजरा की खैरियत पता करें। मुझे तो समझ में नहीं आती कि शैला अपनी बहू को टॉलरेट कैसे करती है। मैं अभी भी कह रही हूँ, देख लें कहीं हाजरा भाभी की बात सच ना हो। बेटा डोंट वरी, हम बाद में इस पे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हमें इस पे डिटेल डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? हमें पता करना चाहिए वो ये सब क्यों बर्दाश्त कर गए। हमें इस बात से इत्मीनान होना चाहिए कि सारा की होने वाली सास इतनी टॉलरेंट है। आप लोगों ने नोटिस किया था कैसे सुहेल हाजरा की हर बात को कवर कर रहे थे। लेकिन फिर भी मामा, अगर देखो बेटा, आजकल वो दौर तो रहा नहीं कि शादी करते हुए माँ बाप बेटियों से ये कहें कि तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हाजरा को अगर वाकई कोई प्रॉब्लम होता तो अब तक डिवोर्स ले चुकी होती। अच्छी खासी पढ़ी लिखी वेल ऑफ लड़की है और शैला की टॉलरेंस की वजह है सुहेल। जब बहू के सामने बेटा ही ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो बेचारी सास क्या करेगी? उसके पास तो कोई रास्ता नहीं रह जाता ना। क्यों मुस्तफा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, आपकी मामा ठीक ही कह रही है बेटा। क्या हो गया? हम घर आ गए वापस। अब तो आपकी डिजीनेस खत्म हो जानी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब? अरे नहीं 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 भाभी, मतलब तो सिर्फ आपका हो सकता है और मेरा तो सिर्फ मकसद, वो भी आपको आपकी हद में रखना। रायद, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि अपनी हद में रहो तुम, वरना हाँ? What are you gonna do? Oh, I'm so scared of you. क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं मॉम, भाभी मुझे वार्न कर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो इस सुलिये में? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा, मैं तो समझी कि तुम्हारा सर दर्द और डिजीनेस रायद की मंगनी के बाद ठीक हो गया होगा। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, अगर तुम्हारे सर में दर्द रहे ना तो बेहतर है कि अपनी अम्मी की तरफ चली जाना। मैं शाम में कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इससे ज्यादा बात ना किया करो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा तो ये बात है, वहाँ हमें इम्तिहान में डाल के मैडम अपना रिज़ल्ट। अरे ये तो बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं। पुरानी है। मामा तो कह रही थी तुम्हारे ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। तो ये बात तुम अपनी मामा से ही पूछो। कैसे आना हुआ वैसे? मैं तो तुमसे नाराज होने आई थी। नाराज तो तुम अपने रूम में भी हो सकती थी। हाँ लेकिन ताने तो नहीं दे सकती थी ना। ताने? कल रात को मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम हो कि अपनी बात पर इतनी पक्की हो। बात की तो मैं वाकई पक्की हूँ। अच्छा इसी बात पर आज का ड्रेस तो दिखाओ। आज का ड्रेस भूल गई? आज तुम लोगों ने रायत के घर जाना है रस्म करने। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब मैं दूसरों के घर नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? मेरी एंगेजमेंट है और दोनों दिन मेरी फ्रेंड ही नहीं होगी। फ्रेंड? सारा हमारी दोस्ती को 2 दिन हुए। 2 दिन की दोस्ती भी कोई दोस्ती होती है? वक्त की बात नहीं होती, दोस्ती और भरोसे की बात होती है। फिर तो तुम मेरा भरोसा करो सारा। मेरा तुम्हारे ससुराल ना जाना ही बेहतर है। ये क्या बात हुई? तुम कह रही हो कि मेरी मंगनी पर नहीं आओगी, मेरी रस्म नहीं करोगी। मैं अगर रस्म करूंगी तो मंगनी होने से पहले ही टूट जाएगी। मैं मोहब्बत और रिश्ते दोनों में नाकाम रही और नाकाम लोगों से तो दूर रहना चाहिए ना। पागल लड़की, तुम वाकई इस तोहम परस्ती पर यकीन रखती हो? हाँ, बल्कि मैं तो ये भी समझती हूँ जिस तरह गोद भराई के वक्त लड़कियों को बांझ औरतों के साये से बचाया जाता है, इसी तरह नए रिश्ते की शुरुआत में नाकाम लोगों से दूर रहना चाहिए। महापारा सारा मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तुम वाकई खुश रहना चाहती हो ना तो प्लीज मुझसे दूर रहो। महापारा इसे महापारा। रायत बेटा मेरी बात सुन। रायत कुछ खाया तुमने? मेडिसिन ली? मेडिसिन? You think I'm crazy? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो अच्छा तुम आओ मेरे साथ। आओ मेरा बेटा, मैंने फ्रूट काट के रखा है तुम्हारे लिए। आपके दिए हुए तोहफों से बहरकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी। नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाइवी चीज जब जब तुम पहनोगी मैं तुम्हें याद। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। Can you even imagine कि मेरे इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम हूँ करके बैठ जाओ। तो मैं क्या कहूँ? तुम ही बताओ, कोई अपनी मंगनी के दिन भी इन चीजों के बारे में परेशान होता है क्या? तो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। पहले से बताते तो ना। अभी अचानक से ये सब सामान भिजवाया, मामा को कॉल किया और कहा कि सारा को भी साथ ले आए। ऐसे भी कोई दुल्हन को बुलाता है भला? ये लोग बुलाते नहीं, ये तो रायत की जिद है। भाभी को भी तो बुलाया था। तुम्हें किसने कहा? नहीं, मैं बस वैसे ही कह रही थी। अच्छा, वो तुम इतने यकीन के साथ कह रही थी, मुझे लगा तुम हाजरा भाभी की बात कर रही हो। नहीं, मैं अपनी भाभी के बारे में बात करती। तुम्हारी भाभी? हाँ, मैं उन्हें भाभी समझती थी। यार, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने कसम खा ली है कि ना हेल्प करोगी और ना साथ चलोगी। मैं क्या हेल्प करूँ? इतना तो मशवरा दे सकती हो ना कि इसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं, ये या इन दोनों में से। कई बारी पहनो जो रायत ने भिजवाई है, ये तुम पे अच्छा लगेगा। मुझे जरा काम में आती। मिस महापारा, एडमिन से कॉल आई थी। आज आप स्कूल नहीं गई? वो आज घर में इवेंट था ना, तो वही तो। आज घर में इवेंट था इसलिए तो मैं नहीं जा सकी। अब क्या हर बार आप मेरे साथ ही ऑफ करेंगी? महापारा, तुम जाओ। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब फिर? अच्छा, डोंट स्टार्ट, डोंट रूइन योर डे। चलो, कम ऑन, लेट्स सी। मैंने देखा था उसे। नहीं 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 नहीं, वो वहां नहीं थी। कैसे उसे? पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वो मुझे पागल बनाना चाहती है, लेकिन मैं पागल नहीं बनूंगा, पागल नहीं बनूंगा। शैला, क्या जरूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? तुम्हें पता तो है कि आज उसकी मंगनी है, तुमने खामखा उसे हाइपर कर दी। मैं खुद परेशान हो गई थी। ये पता नहीं महापारा इसे कहां से दिख गई। तो इस औरत से मैं आजिज आ गई। बेटी गए हुए 2 घंटे नहीं होते और इसे बोझ लगने लग जाती है। अच्छा, कॉल तो सुनो, देखो क्या कहती है। भाई यही कहेंगे कि ले जाएं इसे वापस। सुनो सुनो सुनो, हेलो, कैसी हैं आप? जिसके घर में हाजरा जैसी बहू हो वो कैसा हो सकता है भला? मेरे हिसाब से तो बहुत खुशनसीब होगा। अच्छा, तो फिर आप अपनी इस खुशनसीबी को कुछ दिन अपने पास ही रखें। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। आप ज़रूर मसरूफ़ होंगी, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं होता। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अगले 9 महीने तक हाजरा आपके यहाँ नहीं आएगी। क्या मतलब? 9 महीने तक वापस नहीं आएगी? डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। हेलो, बात सुने मेरी। हेलो, अजीब औरत है, फोन ही काट दिया। सारा बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी दोस्त भी है। लगता तो है। तो फिर आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम्हें नहीं लगता महापारा कि तुमको सारा को इस रिश्ते के लिए राजी नहीं करना चाहिए था? उससे क्या होता? उससे ये होता कि वो फैसला करने में आसानी हो जाती उसे। फैसला तो मैडम कर चुकी थी। अरे मैडम को शैला बेगम की असलियत का नहीं पता ना, इसीलिए तो उन्होंने फैसला कर लिया। वो तो शैला बेगम को भी मैडम की असलियत का नहीं पता। नहीं बेटा, ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। बुरा तो बुरा होता है दादी, इतना या उतना क्या। लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर किसी और के साथ। उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो ये लोग कौन से अच्छे हैं? बेटा, इन्होंने कम से कम हमारी इज्जत तो नहीं उछाली ना। ये उनके मुकाबले में फिर भी महज़ब है। सांप जितना भी खूबसूरत होता तो जहरीला ही है ना। तुम करना क्या चाह रही? मैंने क्या करना है? मैं तो बस देखना चाहती हूँ। क्या? जब सांप सांप को लड़ेगा तो जहर किसे चढ़ेगा? तुम ऐसी तो नहीं थी। कल तक इनके लिए तड़प रही थी और आज इतनी सफात। क्या करूं दादी, इंसान हूं ना। कभी कभी अपना मकसद भूल जाती हूं, लेकिन जब ये जिल्लत याद आती है तो सब याद आ जाता है। अरे बेटा, हमारे घर के लिए तो इतनी बड़ी खबर थी और तुम घर आने के बजाय यहाँ आकर बैठ गई। मॉम के साथ गई थी, उन्होंने यहीं वापस आना था। अरे तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से आकर खुद पिक करती। अगर इतना ही वक्त था आपके पास तो इसे हॉस्पिटल ले जाती ना आप। खादा, यकीन करें, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बात है। अच्छा, इसने तो बताया है कि कल ये बेहोश हो गई थी और रात भर। अरे बाप, छोड़े ना ये गिले शिकवे शिकायतें। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि हाजरा अब 9 महीने तक घर वापस नहीं आएगी। आप भी यही चाहती थी। मैं चाहती थी? आपने ही तो कहा था कि अपनी मॉम के घर रहो और वहीं आराम करो। बेटा, वहां भी सब तुम्हारा ही है, बल्कि वहां तो तुम यहाँ से ज्यादा आराम कर सकती हो। तुम्हें वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं अब यहीं रहूंगी। क्यों? क्या परेशानी है वहां तुम्हें? आप है परेशानी। आपकी जबरदस्ती की वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ और मजीद भुगतना नहीं चाहती। लेकिन बेटा सुहेल, देख रहे हो ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे। मॉम, आजा ठीक कह रही है, ये जहां कंफर्टेबल है आप इसलिए यहीं रहने देना। ठीक है। चलती हूँ फिर। आप भी जा सकते हैं। ठीक है। बेटा आराम से देख के, डोंट फॉल, टेक इट इजी। महापारा जी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक। मैंने आपसे कहा था ना कि हम 8 बजे निकल जाएंगे। मैंने सारा को बता दिया था कि मैं नहीं चल सकती। क्यों? दरअसल मुझे सुबह स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठना होता है। कल रात भी बहुत शोर था तो मैं सो नहीं पाई ठीक से। तुम वाकई नहीं चलोगी ना? सारा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई। बकवास बंद करो, मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करती। मुझ पर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं सच कहती हूँ, से दूर रहो वरना नुकसान उठाओ। अजीब लड़की, ऐसी लो स्टैंडर्ड की लड़कियां तो हाई सोसाइटी में मूव करने के ख्वाब देखती हैं। इट्स रियली स्ट्रेंज। अच्छा, अब तुम सोचना बंद करो, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो कम ऑन, इट्स योर एंगेजमेंट, लुक हैप्पी। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा। 1-2 दिन माँ के घर रहेगी ना तो खुद ही गुस्सा उतर जाएगा, फिर जाकर ले आना उसे। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो वहां रहना चाहती है तो कुछ दिन वहीं रहने दे उसे। अरे मैं कह रही हूँ ना कि वक्ती गुस्सा है, 2 दिन बाद देखना, क्या पता खालदा खुद ही छोड़ जाए उसे। मगर खालदा आंटी तो कह रही थी कि वो उसे नहीं भेजेंगी। नहीं, उससे मैं कह रही थी जज्बाती होकर, वरना वो तो खुद उन पर भारी पड़ती है। अभी खैर से घर का ये फंक्शन हो जाए, फिर तुम जाना, खुद ही तुम्हारे साथ आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ दिन सुकून रहने दे। मेरा मतलब है कि हाजरा के लिए कह रहा हूँ, वो प्रेगनेंसी में जितना उसको सुकून मिलेगा बच्चे के लिए उतना अच्छा है। अच्छा जी, पहली मर्तबा बाप बनने जा रहे हो और बड़ी एहतियातें पता है तुम्हें। पहली बार तुम्हें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हाजरा एक बार पहले भी। भूल जाओ बेटा उन बातों को। अब अल्लाह ने दोबारा खुशखबरी दी है ना, तो उसका शुक्र अदा करो। और हाँ, अब तैयार हो जाओ। मैं रायत को देख लूँ जरा। मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर तुम्हें घर ही जाना था तो उन लोगों के साथ चली जाती, अकेले जाते हुए क्या अच्छी लगोगी? आपको किसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ? तो फिर ये अचानक से तुम जा कहाँ रही हो? एंगेजमेंट की मुबारकबाद देने। एंगेजमेंट की मुबारकबाद दो या अटेंड करो, जाना तो ससुराल ही पड़ेगा ना। ससुराल तो जा रही हूँ लेकिन अपने नहीं। फिर आकर बताती हूँ। हाजरा, अगर सोहेल आ गया या उसका फोन आ गया तो? तो कह दीजिएगा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। ये तुम गलत कर रही हो। क्या? देखो बेटा, शौहर से जितनी भी नाराजगी हो जाए ना, उससे लात ताल्लुक ही नहीं करनी चाहिए, वरना उसे अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। इनकी कुछ आदतें खत्म करवाना ही जा रही हूँ मॉम। हाजरा, हाजरा, तो ये लड़की सुनती नहीं है बात। ये सारे फ्लावर्स प्लीज ठीक से लगाइएगा। शैला, ठीक है जी। शैला जी, अरे सारा घर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पे हो। अरे भाई, ये सारा स्टेज वगैरह देख रही थी ना। अब कहाँ जा रही है? और सारी तैयारियां भी तो देखनी है। ऐसे एक बात है शैला, सुहेल की शादी पे इतनी मसरूफ नहीं थी आप जितनी रायद की मंगनी पे हैं। अरे भाई, पहले तो महापारा